बट्टू कला में सफाई कर्मचारियों ने नारेबाजी कर रोष जताया, कहा काली दिवाली मनाने पर है मजबूर। समान काम समान वेतन देने, पक्का कर्मचारी घोषित करने, 400 की आबादी पर एक सफाई कर्मचारी की नियुक्ति सहित अन्य मांगों को लेकर पिछले 28 दिनों से हड़ताल पर आंदोलनरत ग्रामीण सफाई कर्मचारियों ने सोमवार को बट्टू कला वीडियो ब्लॉक कार्यालय में धरना देते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आज के धरने की अध्यक्षता ग्रामीण सफाई कर्मचारी यूनियन के जिला वरिष्ठ उप प्रधान सुनील कुमार ने की, वह संचालन ब्लॉक सचिव राम भगत ने किया। धरने को संबोधित करते हुए सुनील कुमार ने कहा कि गांव में 17 सालों से काम कर रहे सफाई कर्मचारी आज 28 दिन से अपना कामकाज छोड़ पक्की नौकरी की आस लगाए वीडियो ब्लॉक कार्यालय में धरने पर बैठे हैं, मगर इन 28 दिनों में उनकी समस्याओं को सुनने के लिए सरकार का कोई भी नेता या मंत्री नहीं आया है। जो प्रशासन ने पंचायत मंत्री से वार्ता के लिए जो 8 तारीख दी, उसे उस 8 तारीख पर भी प्रशासन वार्ता के लिए न ही तो कोई समय दिया गया है और न ही कोई स्थान तय किया गया है। इससे साफ जाहिर है कि सरकार सफाई कर्मचारियों से बात करके उनकी समस्याओं को हल करने के मूड में नहीं है। सफाई कर्मचारी के हड़ताल को लंबा खींचकर सरकार जबरन सफाई कर्मचारी व्यवस्था को जबरन सफाई व्यवस्था को ठप करने पर उतारू है। सरकार की हर धर्मिता से सफाई कर्मचारी भी आज अपनी दिवाली को काली दिवाली के रूप में मनाने पर मजबूर होता दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार को त्योहारों को ध्यान में रखते हुए गाँव की सफाई दुरुस्त करने को लेकर सफाई कर्मचारियों से बातचीत कर उन्हें उनकी समस्या का समाधान निकाला जाए ताकि सफाई कर्मचारी काम पर लौट सकें। धरने में रूढ़ीराम, किशन, रजनू, आशा, पार्वती, सुमित्रा, बिमला, सिंगाराम, विद्या, अमित, नानक, बंसी, राधा कृष्ण, रणवीर, बिमला, रमेश, विजय, शिशपाल, सुरजीत, सतबीर, छबीलदास, राजेंद्र, सन्नी, रुग्वीर सहित काफ़ी संख्या में सफाई कर्मचारी मौजूद रहे और उन्होंने सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रोष प्रदर्शन किया।